आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी SSD के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है बेस्ट SSD फॉर गेमिंग, और वो है Seagate की तरफ से आने वाली Seagate Barracuda SSD। Seagate कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है जो कि स्टोरेज डिवाइसेस बनाते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज मैं इसी SSD की अनबॉक्सिंग भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये SSD लेनी चाहिए और क्यों है ये बेस्ट। तो उसका काफी अच्छा सा बॉक्स है जिसको हम खोलते हैं तो हमें ऊपर ही एक रैपर में लिपटी हुई SSD मिल जाती है, और उसको अगर हम साइड में रखें तो अब फ्लैप उठा के आपको नीचे थोड़ा पेपर वर्क मिल जाता है जिसमें इसकी वारंटी और काफी ज्यादा डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन है। इनको अब साइड में रख देते हैं, बॉक्स में इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब जो हमारी है मेन SSD, ये एक 2.5 इंच की SATA SSD है, और ये आपके PC और लैपटॉप दोनों के साथ कंपेटेबल है। जो मेरे पास अभी मॉडल है SSD का वो 2 TB का है, यानी कि 2000 GB का, लेकिन आपको इतने तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो इसलिए Seagate की तरफ से और भी ज्यादा ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि 250 GB, 500 GB, 1000 यानी कि 1 TB और 2 TB। ये चार ऑप्शंस मिलते हैं आपको Seagate की तरफ से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 120 GB वाली SSD खरीदूं तो वो Seagate की तरफ से नहीं आती, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि SSD का मेन जो आप काम करेंगे उसमें आप अपना OS इंस्टॉल करेंगे, आप उसमें अपनी विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे, और विंडोज 10 भी इंस्टॉल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेती है, और साथ ही साथ उसके मंथली अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो ऐसे में 120 GB थोड़ी कम पड़ने लगती है। ऊपर से आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर डाल दिए जैसे कि प्रीमियर प्रो या फिर फोटोशॉप या फिर और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि ऑटोडेस्क, कोई ऑटो कैड कर रहा है तो वो भी काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर है, और उसमें भी 120 GB काफ़ी कम पड़ सकती है। और इतने सब के बाद तो आप गेम्स उसमें डाल ही नहीं सकते, क्योंकि गेम्स भी आजकल काफ़ी बड़े बड़े साइजेस के आते हैं, जैसे कि 50 GB, 60 GB, इतने बड़े बड़े गेम्स आते हैं, तो वो 120 GB आपके लिए कम रहेगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 250 GB ही लें SSD में, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपके लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब मैं Seagate की SSD को Samsung 860 EVO के साथ भी साइड बाय साइड कंपेयर करता चलूंगा, और आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी बेटर है, और सही बता रहा हूं आपको, एंड तक पता लग जाएगा कि क्यों मैंने Seagate की SSD को कहा कि वो बेस्ट है फॉर बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। सबसे पहले मैं Seagate और Samsung दोनों के 2 TB की SSD को कंपेयर करूंगा, जो कि मेरे पास Seagate की 2 TB की SSD है, और फिर मैं एक 250 GB की SSD को भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बजट गेमर्स 250 GB की SSD ही प्रेफर करेंगे। तो 2 TB SSD की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि सैमसंग और Seagate है, और सैमसंग की आपको मैक्सिमम रीड स्पीड मिल रही है 550 और Seagate की मिल रही है 560। राइट स्पीड की अगर बात करें तो सैमसंग में आपको मिल रही है 520 की और Seagate में आपको मिल रही है 540 MB/s की। तो आपको पता लग रहा होगा कि Seagate की रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी सी बेटर है सैमसंग के मुकाबले में, और ये होती है मैक्सिमम सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड। अब ये सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि जब आप कोई भी बड़ी फाइल, जैसे कि कोई हो सकता है 2-3 GB की मूवी हो, जब उससे आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर करेंगे तो इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो इतनी आएगी, और वह यहाँ पे दे रखी है। अब हम बात कर लेते हैं MTBF की, और MTBF क्या होता है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ये बेसिकली एक टेस्टिंग क्राइटेरिया है फॉर SSDs, जिसमें कि एक बेस लाइन सेट कर रखी है जिसमें 1000 SSDs को 1000 घंटे के लिए टेस्ट किया जाता है, और अगर उनमें से एक भी SSD खराब नहीं निकलती तो उसको 1 million hours की MTBF की रेटिंग मिलती है। अब ये 1 million hours की जो रेटिंग है ये एक बेस लाइन है। अब ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी बेटर SSD होगी, और सैमसंग में आपको मिल रही है 1.5 मिलियन आवर्स की MTBF। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 SSDs को 1500 आवर्स के लिए टेस्ट किया गया था और उनमें से एक भी खराब नहीं निकली, जो कि अच्छी है। लेकिन Seagate में आपको मिल रही है 1.8 मिलियन आवर्स की MTBF। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 SSDs को 1800 आवर्स के लिए टेस्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि Seagate की SSDs Samsung से यहीं पे बेटर निकल रही हैं, क्योंकि उनकी MTBF 1.8 मिलियन आवर्स है जबकि Samsung की कम है थोड़ी, 1.5 मिलियन आवर्स। GB वाला वेरिएंट भी थोड़ा बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में। और एक बार प्राइस को भी देख लेते हैं तो Seagate की जो प्राइस है वो Amazon पे अभी इस वक्त चल रही है 3939, यानी कि लगभग 3940 रुपीज, और वहीं सैमसंग की है 3990 यानी कि 3990 रुपीज। इनका प्राइस अभी लगभग थोड़ा बराबर ही है, लेकिन ये प्राइस भी चेंज होते रहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सभी टाइप के SSDs का, चाहे वो 250 GB हो, चाहे वो 500 GB हो, चाहे वो 1 TB हो या 2 TB। आप एक बार वहां से जरूर चेक कर लेना कि अभी करंटली क्या प्राइस चल रहा है। तो इस कंपैरिजन के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मेन SSDs को किस बेस पे टेस्ट किया जाता है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि Seagate की जो SSD है वो काफी ज्यादा बेटर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।